मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है. ऐसे जो भी है बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है. आई सेड भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई. यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना, तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब. तो नहीं नहीं आप अपने काम से मतलब रखो. तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा. एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो. उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको, क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस, हटाओ डिलीट करो. एक सेकेंड प्लीज यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा. उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए. एक सेकेंड, आप सब की भी गर्लफ्रेंड्स होंगी, आपकी 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 भी गर्
गुड फोटो बड़ा मुद्दा ये है। बोनी पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा, मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोज देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस यहाँ की पुलिस उसके दो फोन ढूंढ रही है। चलिए आपने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। अरे बोलने दो नहीं बोल 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 चलिए मैं पहले चलिए आपने ऐसा कहा था कि जब आप और राखी साथ में थे और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके नैना स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट आपने कहा था ब्लैंक पेपर और मैसूर जाने के बाद आपने ये कहा था कि आदिल